हेलो व्यूअर्स, आरबीआई ने 3 मंथ्स का मोराटोरियम यानी कि ईएमआई स्टॉप होने का जो फैसिलिटी है वो नोटिस के थ्रू बैंक्स के पास पहुंचा दिया है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे ये फैसिलिटी लेना है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो है ये फैसिलिटी आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी तक सारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक बैंक्स है, वो लोग ये जो फैसिलिटी है उसको अलाउ कर रहे हैं और अपने अपने कस्टमर्स के पास मैसेजेस, ईमेल्स ऐसे भेज रहे हैं ताकि वो लोग फॉर्म फिलअप करके ये जो फैसिलिटी है ये ले सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही एक इनिशिएटिव है, क्योंकि ये जो इनकम का जो क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर ऐसा कुछ सुविधा मिलना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों, कुछ नॉन पब्लिक या फिर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज है जो अभी तक ये जो सिस्टम है या फिर ये जो फैसिलिटी है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ईएमआई बंद करना 3 मंथ्स के लिए, ये अच्छा ये है या ख़राब है ये सोचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो 3 मंथ आपका ईएमआई बंद हो रहा है इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 3 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट होगा, लेकिन हाँ, आप इन 3 मंथ ईएमआई नहीं दे रहे हो, इसके वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर डिफॉल्ट जो चार्जेस है वो आपके ऊपर चार्ज नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ईएमआई काउंट होता रहेगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अब आप लोग सोचेंगे कि अगर ये काउंट हो रहा है लेकिन हमारे ईएमआई से हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, फिर भी क्यों हम इस ईएमआई को अवेल ना करें? सबसे पहले मैं जो बोलना चाहती हूँ वो है लोन्स के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका लोन 10,000 रुपीज़ है और आप ईएमआई देते हो 1,000 रुपीज़ एवरी मंथ, ठीक है, तो कितना हुआ, 10% आपका इंटरेस्ट रेट है। तो दोस्तों, अगर ये जो 3 मंथ है ना, यहाँ का जो 10% है वो कैलकुलेट होता रहेगा, लेकिन आप जब आफ्टर द 3 मंथ्स आप जब पेमेंट करोगे ईएमआई, वहाँ पे आपको वो जो 1,000 रुपीज़ है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ अपने आप से ही आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। ये दोस्तों बैंक का ही नियम है, आरबीआई यही नियमों के अनुसार ये जो नोटिस है ये पब्लिश किया था। अब दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर ये आपके पास, मतलब ये अगर आपसे हो सके तो ज़रूर ये ईएमआई को पेमेंट कर दें लोन्स के लिए। अब बहुत सारे दोस्त मुझे ये प्रश्न किए थे कि अगर ये क्रेडिट कार्ड के लिए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्रेडिट कार्ड से वो लोग कुछ चीज़ें खरीदते हैं और वहाँ पे भी एक मनी पेबल रहता है बैंक के पास, तो वो क्या होता है, कुछ दिन बाद जिनके जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है उसको वो मनी रिटर्न करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। देखिए दोस्तों, अगर आपका ऐसा कोई एग्जिस्टिंग बिल अमाउंट है क्रेडिट कार्ड पे, तो वो ज़रूर आप पेमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 32-35% तक आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? इसका रिजल्ट ये होगा, आपका जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, आपका एग्जिस्टिंग कुछ पेएबल अमाउंट आपके पास, बिल अमाउंट आपके पास है, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए उसको बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज जो है जहाँ से आप लिए हो वहाँ पे रिटर्न करने के लिए। दोस्तों, ये था आज का मेन वीडियो। मैं अगर मेरा ओपिनियन आप लेना चाहते हो तो ईएमआई आप जितना हो सके उसको पेमेंट करते रहिए, स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि स्टॉप करने का मेन एक ही फैसिलिटी आपको मिलेगा कि 3 मंथ आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जो 3 मंथ के बाद जो मंथ आने वाला है वहाँ पे आपका जो ईएमआई का वैल्यू है उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट कटेगा।
तो ये थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ये आपका ही लॉस होने वाला है। अगर आपका 1000 1000 EMI का अमाउंट है, तो आप ये 3 महीने के बाद जो पहला EMI देने वाले हो वहाँ पे क्यों आप सपोज़ 1500 देने जाओगे, 1000 वहाँ पे तो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है ना। अगर बहुत ही प्रॉब्लम है अभी EMI देने में, तो ज़रूर उस ये फैसिलिटी आपको अवेल करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर आप ये पे कर सकते हो अभी, तो अभी इसको पे कर दीजिए। दोस्तों बस मैं चाहती हूँ कि आप सारे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ये मैसेज शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको ये टाइप के क्वेश्चन या फिर ये जो नोटिस है ये लेके बहुत कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है। तो सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर मुझको पूछिए। मैं बहुत तहे दिल से कोशिश करूँगी आप सबको हेल्प करने के लिए। थैंक यू।